आप यकीन करें, जितना प्यारा पीछे आपको मंजर नज़र आ रहा है, उतनी ही प्यारी आज गाड़ी आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो ना सिर्फ फैमिली कार है, छोटी स्पेसेस में, छोटे कार पोर्चेस में और गली में खड़ी करने के लिए बेहतरीन गाड़ी है, सिटी के अंदर स्पेशली ट्रैवल करने के लिए। कौन सी है वो गाड़ी जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कार मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके, और ये खूबसूरत गाड़ी आज आपको देखने को मिलेगी कारमेट पीके के ऊपर। अच्छा जी, कारमेट पीके की हमेशा से कोशिश होती है कि आपके लिए बेहतरीन वो गाड़ियां चुन के लाई जाएं, जो कि मतलब देखें, सीधी सी बात है, जो गाड़ियों से प्यार करता है बंदा, रखता है गाड़ियाँ, उससे डे बाई डे वो सोचता है या अपग्रेड करनी है या डाउनग्रेड करनी है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। तो उस सिलसिले में हम कोशिश करते रहते हैं कि आपके लिए ऐसी गाड़ियाँ लाई जाएं जो कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और उससे ऊपर के तमाम तबकों को टच कर सके। आज उसी किस्म की एक गाड़ी है जो कि हर कैटेगरी में फिट बैठती है। कौन नहीं चाहेगा कि शहर के अंदर एक बेहतरीन गाड़ी हो जो हमें लेके जाए, बाइज़त तरीके से वापस लेके आए और फ्यूल भी बस सूंघती हो। सो गाइस, ये है 2015 मॉडल सुजुकी कल्टस, बेहतरीन बेहतरीन गाड़ी, स्पेशली सिटीज़ के अंदर मनूवर अराउंड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। ये 16 की रजिस्टर्ड है बेसिकली। अभी हम आपको बताते हैं कि कितने में आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले एक वॉक अराउंड कर लेते हैं। गाड़ी आप तो हालत इसकी देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पे अपने जेन्युइन कंडीशन में है। कलर इसका अगर आप देखें, कहीं से आपको टचिंग नज़र नहीं आएगी, और जो इसकी शाइन है, देख के शायद आपको लग रहा होगा कि ये शावर्ड है फॉर द फ्रेश लुक या कुछ ऐसी बात, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ये प्रॉपर अपने जेन्युइन कलर में गाड़ी है। हेडलाइट से स्टार्ट करें, काफ़ी कम गाड़ियां हैं ऐसी जिनमें आपको क्लियर हेडलाइट्स मिलती हैं, लेकिन ये हेडलाइट्स बिल्कुल गुड एज न्यू आपको देखने को मिल रही हैं। बम्पर पे कहीं पे कोई ऐसी टचिंग वगैरह नहीं है, उखड़ा हुआ नहीं है, खराशे नहीं है कि बंदा कहे यार ये क्या, वेल मेंटेन गाड़ी है। अभी मैं आपको माइलेज भी बताता हूँ कितनी चली हुई है गाड़ी। अलॉय व्हील्स इसके साथ लगाए गए हैं, अलॉय रिम्स अगर आप देख सकें, और डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। टायर्स मुझे लगता है जो कंडीशन है अभी, ये साल एक निकाल लेंगे, मज़ीद ग्रूव्स अभी हैं इसकी तो साल एक बासानी चल जाएंगे, उसके बाद डेफिनेटली यू नीड टू रिप्लेस दीज टायर्स। साइड प्रोफाइल अगर आप इसकी देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी अपनी एजिंग दिखा रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ में आती है बात, धूप में खड़ा रह रहे कि ये रंग उड़ ही जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा पेंट के ऊपर आपको एज सच कोई खराशें वगैरह नज़र नहीं आती। वेल मेंटेन्ड ब्यूटीफुल कार, लाहौर रजिस्टर्ड गाड़ी है ये। बैक भी आप लाइट से इसकी देख सकते हैं, टॉप नॉच। यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है, गाड़ी चलती है तो इतना तो टचिंग तो खैर ये है ही नहीं है, इतनी ब्रेकेज तो हो ही जाती है। अगर ऐसी जगह से आप उतारेंगे नीचे तो गाड़ी तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा, तो वो उसका मड फ्लैप पिछला वो डैमेज है, अदरवाइज़ गाड़ी छत अगर आप इसका देखें, नीट एंड क्लीन है बाहर से। एयर प्रेस इसके साथ ऑलरेडी आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं, टेंट भी किया हुआ है गाड़ी को, और ये टेंट उस दिन हमें मोटरवे पे रोका था, उन्होंने आईडी कार्ड की फ़ोटो कापियाँ ली लेकिन जुर्माना नहीं किया कुछ भी, तो मानसरा में एक दफ़ा हमारा उन्होंने रिप ऑफ कर दिया ड्राइविंग साइड वाला, वो भी वीडियो बनाते हुए उन्होंने हमारी वीडियो बनाई थी। तो ये आपने ख्याल रखना होगा कि ये पुलिस वाले आपको ज़रूर रोकेंगे। इंटीरियर मुलाहिज़ा कीजिए, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है ये, नीट एंड क्लीन, किसी भी फैमिली के लिए, छोटी फैमिली है या पांच बंदे भी, पीछे अगर बैक स्पेस देखें पांच बंदे बासानी आप लोगों को अच्छी तरह पता है इस गाड़ी में फिट इन हो जाते हैं। और सीट्स की हालत भी आप देख सकते हैं, ऑल दो सर्विस तो हुई हुई है गाड़ी, लेकिन सीट्स अपनी एजिंग और कंडीशन भी बताती हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट हालत में है। सीट्स वगैरह भी, मैट्स वगैरह पड़े हुए हैं ऑलरेडी, साफ़ सुथरी गाड़ी है। इंटीरियर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, आर्म रेस्ट वाली जगह थोड़ी सी इसकी जो है, ये खैर लगा हुआ भी आफ्टर मार्केट है, कौन सा कोई इसका ओरिजिनल आता है इसके साथ, तो इन्होंने लगाया हुआ है, सस्ते वाला लगा हुआ शायद, ये देखें तो थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। इसमें तीन पेच लगाने हैं, ये यूँ फिट हो जाएगा फिर अच्छा लगेगा। बहरहाल अभी ये इस कंडीशन में, और मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ,
साउंड भी हम सुन लेते हैं और इंजन की हालत भी देख लेते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है इसमें, जो चीज़ नहीं लगी हुई वो सीएनजी है, और सीएनजी की बड़े शहरों में तो अब ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे मिलती नहीं है गैस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम गाड़ी के अंदर बैठ के हैंड ब्रेक को खींच लिया। हाफ सेल्फ पे गाड़ी स्टार्ट। अभी ये ईएफआई है तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे आ जाएगी। यस, आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेस खुद ही नॉर्मलाइज होने लग जाती है। आज मैं आपको दिखाता हूँ चली हुई कितनी है, उस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन परफेक्ट है। एक चीज़ मैं हमेशा देखता होता हूँ कि ये लटक तो नहीं रहे, फिटिंग में है कि नहीं, प्रॉपर अपनी फिटिंग में। डैशबोर्ड इसका नीट एंड क्लीन, क्रैकिंग कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रही। डोर्स अगर आप इसके मुलाहजा करें फिर साइन ऑफ एजिंग आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। 7 साल पुरानी गाड़ी है तो वो 7 साल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि इसने इसी दुनिया में गुजारे हैं। बाकी ठीक है, कोई खड़खुड़ आपको एज सच नज़र नहीं आ रही। और जो अभी आप हैरान होंगे कीमत सुन के, जो कीमत इसकी डिमांड की जा रही है उसके हिसाब से परफेक्ट ऑप्शन है ये। चलिए बॉनेट भी मुलाहजा करते हैं इसका खोल के कि इंजन बे की क्या सिचुएशन है। नीट एंड क्लीन है जी इंजन भी इसका, इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है ये। सो ये सील्स वगैरह दिखा दें गाड़ी के, सब अपनी ओरिजिनल हालत में ही है। थोड़ी सी यहाँ पे आपको लीकेज नज़र आ रही है, अदरवाइज इतना ड्रास्टिक नहीं है ये। सो गाइस गाड़ी बंद करते हैं और एक और इंजन की सेहत मापने का एक वो होता है ना पैमाना, हम बगैर एक्सेलेटर दिए से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में स्टार्ट होती है ये। हाफ सेल्फ में ठीक है, एक्सेलेटर दबाए बगैर। अब मैं इसकी एक और चीज़ एसी चेक कर लूँ। मैं देख लूँ कि एसी काम करता है कि नहीं। ब्लोअर तो ठीक ठाक काम कर रहा है। यस, ठंडी हवा आने शुरू हो गई। छोटा इंजन है ना तो ज़रा टाइम लगाता है ठंडी हवा, बिल्कुल सही ठंडी हवा, चिल एसी है इसका। मेरे घुटने पे लग रही है, घुटना एकदम वो हो गया मेरा, यक हो गया। सो गाइज अब बात कर लें प्राइस की, तो इसकी डिमांड की जा रही है 17.5 लाख रुपये। गाड़ी मौजूद है मानसरा के अंदर, शोरूम है जैन मोटर्स, यहाँ पे बिल्कुल टोल प्लाज़ा के साथ जुड़ा हुआ है मानसरा में। अगर आप चक्कर लगता है मानसरा एबटाबाद से ही हैं तो आपको अच्छी तरह इल्म होगा इस जगह का। टोल प्लाज़ा का तो पता ही है, उसके साथ ही है ठीक है। आप फ़ोन नंबर्स भी इनके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, अगर कहीं दूसरे सिटी से देख रहे हो गाड़ी पसंद आई आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है ये प्यारी सी गाड़ी आपको पसंद आई होगी, अगर तो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप। और इसी तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए कार मेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।